होम्योपैथिक एक मुजदाती इलाज है और ये वह दवाइयाँ हैं जो इंसान के नस को ठीक करने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। नए यकीन आता हो तो मेरी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ आ जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने अभी आपको ये ऊपर पोस्ट की है, ये मूड ऑफ एक्शन है इंसान का, मूड ऑफ एक्शन है जो 8 खानों के ऊपर तब्दील होता रहता है। आप जब इनको इस तरह ही पढ़ेंगे तो आपको कूटोपैथी भी आ जाएगी, कूटोपैथी भी आपको समझ आ जाएगी। और ये वही अल्फाज हैं जो रूहानियत से पिक होके दुनिया में स्केच होते हैं, मतलब पहले हम सोचते हैं फिर उसके बाद एक खाका बनाते हैं, खाका को हम कागज के ऊपर कन्वेंस करते हैं। तो ये अक्स जो होता है ये इंसान का अपना है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। ये इंशाल्लाह आज का ये समझे कि लेक्चर है इस ग्रुप के लिए, और इस पे जो लोग गौर करेंगे इंशाल्लाह उन्हें बहुत बड़ा फायदा हासिल होगा। जी ये जो उन्होंने फरमाया है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लोग दिल से कलबी अल्लाह बनाते हैं, जो अल्लाह को याद करने वाले होते हैं, उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। इनको अपनी जुबान के अंदर हम लोग कहते हैं शऊर, लाशऊर और तातल शऊर। इसके अलावा भी 4-5 और भी मौजूद हैं, लेकिन ये 3 जो हैं ये आम तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बाद लोगों के अंदर इतनी ताकत होती है कि इन तीनों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, इन तीनों को अपने कंट्रोल में रखते हैं और इन तीनों से ही काम दिया जाता है। बस शऊर के तौर पर आप तो समझते हैं कि हम शौरी तौर पर सारा काम कर रहे हैं, तो ये हमारे अपने कंट्रोल में है ना, ये अपने कंट्रोल में। इस तरह लाशोर भी आपके कंट्रोल में होता है, तो शोर भी आपके कंट्रोल में। और जिन लोगों के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है उनके अंदर कल्बी रोशनी पैदा हो जाती है। ये एक अलग सब्जेक्ट है रवानियत का, इसलिए यहाँ ज़्यादा लंबा चौड़ा बंदा नहीं बातें कर सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह जमील साहब, बहुत अच्छी आपने तहरीर भेजी और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अंग्रेज़ ने या जिसने फोटोपैथी ईजाद की उसने तो ये फाइंड कर लिया, लेकिन हम मुसलमान ये नहीं फाइंड कर सके कि ये जो हमारे में बद असरात जिस्म में जो पैदा होते हैं ये असल में रूह की ख़राबी की वजह से पैदा होते हैं। किसी इंसान का अच्छा इखलाक वाला होना, इज़्ज़त वाला होना, ये उसकी रूह की क्वालिटी है, वरना वो अपने मफाद की खातिर तो अच्छा हो सकता है लेकिन वो असल में अच्छा नहीं होता, अपने मफाद तक अच्छा होता है। शुक्रिया आपने कोटोपैथी को समझने का जो रूल है वो रूल से बताया, लेकिन हम मुसलमान हमें तो पहले ही पता है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह जमील साहब, बहुत जी इस जो दुकान है ना जी, इसे आप गौर और फिक्र के साथ जब पढ़ेंगे और टेबल पे रख के इसे 10 बार लिखेंगे इन अल्फाज को, तो ये अल्फाज की लिखाई आपको साफ नजर आने लगेगी। ये एक नज़र पढ़ने से वाले लोगों के लिए नहीं है, एक नज़र पढ़ा और देख लिया उनके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो इसे कम अज़ कम टेबल पर रख के ऐसे ही नक्शा बनाएं, फिर इसे पढ़ें, फिर इसके ऊपर गौर फिक्र करें कि आया मैंने इनके ऊपर जो किया है तो वैसे तो मैंने इन्हें किया, ये आपके लिए एक तोहफा है। और जो इसको समझ गया वो समझे मूड ऑफ एक्शन होम्योपैथी की तमाम अद्वियात को समझ गया, उसके अंदर जो इंसान के अंदर जो कुबातें बख्शती हैं, जो कुबातें बख्शती हैं ना हमारे अंदर की हसद, बखीली, खुशी, गम, नदामत, ये सारे अल्फाज इसके ऊपर डप हो गए और हर एक अपनी अपनी कैफियत के अंदर, जब ये अल्फाज जिस्म के अंदर अमल करते हैं तो इंसान बीमार हो जाता है, ये इंसान बीमार हो जाता है। जब इंसान तंदुरुस्त रहता है तो ये जितनी कुबातें हैं ये अमल नहीं करती, रुकी रहती हैं, और जिस वक्त इनको मौका मिल जाता है वो नीचे दबो देती हैं। इसलिए इन्हें गौर से पढ़ें और फिर इसका इलाज ढूंढें। इलाज के लिए फिर मेरी आप YouTube के अंदर चैनल देखें, वहाँ इस किस्म के इलाज मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हासिल होगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब ने जो यहाँ पे लिखा है बहुत ही प्यारा लिखा है जी, जो शख्स इस चीज़ को पढ़ गया और समझ गया तो समझ लीजिए कि उसने हिकमत को पा लिया, उसने हिकमत को पा लिया, उसके साथ उसने कूटोपैथी को भी पा लिया। खैर हिकमत को नहीं पाया, पहले तजदीद तेब को पाया, फिर उसने हिकमत को पाया, फिर उसने कूटोपैथी को पाया, क्योंकि कूटोपैथी होम्योपैथिक की शाख है, हिकमत की नहीं। लेकिन ये दो चीज़ें जो पीछे हैं ये हिकमत की शाखें हैं और बुनियाद जितनी भी है वो सारी की सारी हिकमत की है, और उसके ऊपर होम्योपैथिक खड़ी हुई है, उसके ऊपर फिर एलोपैथिक खड़ी है,
ये सिस्टम सारी की सारी नीचे से ऊपर जा रही है, और एक हुकूमत की जो बुनियाद है वो रवानियत के ऊपर है। क्योंकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो दिल वाले लोग ही नहीं है जिन्होंने रवानियत की जो बुनियाद थी उसे ख़त्म कर दिया। जहाँ से ये सारे इल्म निकले हैं ना, जहाँ से ये सारी इल्म की शाखें निकली हैं, वो ज़ीरो पे हो गया, और जो बिल्कुल ज़ीरो थे वो सारी वो बन गए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपने आज ये पहली दफ़ा ये अल्फाज देखे हैं, और इससे दो बातें आपको समझ आई हैं, एक है तरी सर्दी और दूसरा रोने वाला, ये भी काफ़ी है आपके लिए, आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद आप दूसरी लाइन पे जाएं, मैंने जिसके बेकायदा पीछे मैंने लेक्चर भी दिया हुआ था, हो सकता है आपको याद ना हो, दो नंबर तारीख का मैंने लेक्चर दिया हुआ था, उसको पढ़ें आप, इसको एक हफ्ता पढ़ें, दस दिन आठ खाने हैं तो आठ दिन तो लगेंगे ना आपके, आठ दिन तो लगेंगे, तो इसलिए आप इसे आठ दिनों में लग पढ़ें, न समझ आए तो इंशाल्लाह मैं आपको एक एक खाना करके जरूर पढ़ाऊँगा। और ये लेकिन आप वहाँ पे मेरे यूट्यूब के ऊपर चले जाएं, वो लेक्चर सुनिए, आपके अंदर एक रोशनी पैदा होगी, अंदर की रोशनी पैदा होगी, जो आपको खुद बहुत बताएगी कि ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। होम्योपैथिक जो है वो मुजाती इलाज है, याद रखिएगा, होम्योपैथिक मुजाती इलाज है, और ये जो है वो नस का इलाज करता है। होम्योपैथिक वह दवाइयाँ डॉक्टर जी हमारी जो नफ्स को ठीक करने की सलाहियत रखती है, और दूसरे लफ्जों में हम सूरह को नफ्स कहते हैं, जब आप पढ़ें ना इसका तो सूरह के लफ्जी मैंने जो होते हैं वो नफ्स होते हैं कि गंदी सोच वाला, यानी जब भी इंसान बीमार होता है वो अपनी गंदी सोचों की वजह से बीमार होता है, अच्छी सोचों की वजह से तो हमेशा इंसान तंदुरुस्त रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, दरअसल जिस शख्स ने इस वीडियो को पा लिया, ठीक है जी, उसने समझो कि आपने कल्ब कल्बी बन गया, आपका आपका कल्ब रोशन हो गया, क्योंकि हमेशा कल्ब डरता है, हमेशा कल्ब डरता है और रूह को झंझोड़ के रख देता है। आप कभी भी तजर्बा करके देखें, आप जब गुनाह की तरफ जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको सर्दी लगती है, लेकिन सर्दी किसको लगती है कि जिसका पहले जिस्म साफ होता है, लेकिन पहले जिसका जिस्म साफ नहीं होगा तो सर्दी से कहाँ से लगेगी। तो इसी है आपको वार्निंग, जिस शख्स का भी नफ साफ हुआ समझें कि वो दुनिया के अंदर नेक हो गया, और इसके लिए ये है ना कि मोमन, इसी जहाँ से मोमन बनना शुरू होता है बंदा, जब मोमनों और वलियों की सिफात के अंदर बंदा चला जाता है तो उसको कहते हैं कि ये अल्लाह का वली है, ठीक है ना जी। मुसलमान तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, मुसलमान तो बेशुमार हैं, आप कितने होम्योपैथिक डॉक्टरों में कितने होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हुए, लेकिन सबके पास तो होम्योपैथी का इलम नहीं, क्योंकि इलम होम्योपैथी उसी के पास होगा जो इसके साथ दिलचस्पी रखेगा, जो इसमें अंदर जाएगा, और अल्लाह की तरफ से उसका रूह पाक होगा और होम्योपैथी से समझ आना शुरू हो जाएगी। ये सी तजीद थे बालों में साबर मुल्तानी साहब ने उन लोगों को एक नया इल्म दिया, एक नई रोशनी दी, और आज साबर मुल्तानी की शिगिर्द जो है वो जगह जगह बैठे हुए हैं, और हकीम एक से एक बढ़ के कहता है मैं ये कर लेता हूँ मैं वो कर लेता हूँ, हालांकि जब उसे पूछा जाए तो सारी नकल तो साबर मुल्तानी साहब की है, इसने क्या किया, कुछ भी नहीं, ये तो सब कुछ करता ना, कोई नई चीज़ याद करके देता, हकीम वो था ना जो कोई नई चीज़ याद करके देता, ये नहीं ये लिख दे जी कुछ तय फराना है मेरे पास आप लें, वो बड़ी बड़ी लिबार्टियाँ बनी हैं, हमदर्द की बनी हुई, अजमल की बनी हुई, फरानी बनी, ये इन्होंने कुछ नहीं किया, करने वाला सिर्फ साबर मुल्तानी साहब था, और इन लोगों ने बिजनेस की है, इन्होंने क्या किया बिजनेस किया, बिजनेस करने में और इल्म देने में फर्क होता है, जब मैं कूद तो पैसे के अंदर कुछ कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस नहीं कर रहा, चीजें हमें रखी अगर ऊपर 10-15 हज़ार 20 हज़ार ले भी लेता हूँ तो इतना बड़ा कमाल नहीं है, क्योंकि बिजनेस मेरी औलाद करेगी या आप लोग करेंगे, जब आपको ये नुस्खे समझ आ जाएंगे कि ये जरकान का नुस्खा मैं जब दूंगा तो पेशेंट आपका ठीक होगा, तो वहां लिखा होगा मसलन वहां ये लिखा होगा जी कार्डोस अमरीना कॉम्प्लेक्स नंबर इतने नीचे लिखी हुई कीमत कितनी जी 5,000 रुपये, ये बिजनेस है कि लोग मजबूरी खरीदेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि दावा जरकान दवाई है, तो आपको ये यकीन है कि ये दावा जरकान दवाई और इसके पैसे आप कैश करते हैं, और ये वाली जहाँ से आगे जो है अंग्रेजों का काम शुरू हो जाता है, यानी पहले जो है मुसलमानों का काम है चीज़ को आजाद करके पेश करना और आगे उसका दुनिया में ब्राइड करवाना, बिजनेस के असूलों के ऊपर चलना, ये अंग्रेजों का काम है, और वो जो अंग्रेजी जहन रखने वाले लोग होते हैं ये उनका काम है। कि आज आप यही देख लें, यहाँ हमारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ मशहूर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ मशहूर हैं, आप डॉक्टर बिस्मिल साहब को देख लें, उनकी बीएम कंपनी है, डॉक्टर मसूद साहब को देख लें, सालों से चल रही है, इन्होंने होम्योपैथिक के अंदर क्या नई चीज़ बात ईजाद की है, कुछ भी नहीं,
डॉक्टर कुमार साहब को देखे, कुमार लोबाटिस वालों को, उन्होंने इसमें क्या नई चीज ईजाद की है? कुछ भी नहीं। ईजाद तो वो होते ना, अगर डेक्सामेथासोन के उन्होंने ड्राफ्ट बनाए हैं या एम्पीक्लास के ड्राफ्ट बनाए हैं, तो साथ उसकी मुकवी बिलजैद बिलमिसल रमात भी बयान करते हैं ना, वो बताते हैं कि ये बंदा है, इसको हमने ये दवाइयाँ दी हैं, तो ये चीज़ें सियाक्त करके हम आप लोगों को दे रहे हैं, और ये ऑथेंटिक दवाइयाँ आप इनको देंगे तो 100% काम करेगी। जैसे होम्योपैथिक के अंदर डॉक्टर हनुमन कहता है कि ये दवाई लो, इसकी ये सीर आजम अलामत है, इसके ऊपर ये दवाई दो और 100% सही काम करती है। तो ये है एजाद, एजहाद कुंदगान कुछ और लोग होते हैं और बिजनेस कुंदगान कुछ और लोग होते हैं। मुसीबत यही होती है कि जो लोग एजहाद कर रहे होते हैं कुछ चीज़ को, जैसे नया ऑर्थोपैथी के बारे में आप लोगों को कहता हूँ, आप सारे को वाह थोड़ा थोड़ा, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे महंगे मांगे, 3 किताबों के 15,000 रुपये, 3 किताबों के 15,000 रुपये। आप, मैं कसम उठा के कहता हूँ जी, ये याद रखें कि मैंने एक टाइम पर एक दवाई देने पर, सिर्फ 10 दिन की दवाई देने पर भी मैंने 30,000 रुपये अगले से मांगा तो उसने मुझे दे दिया, उन्होंने मुझे दे दिया। लेकिन ये इतना बड़ा इल्म जो है, इतना बड़ा मेरी ये समझे 25-40 साल की जो मेहनत है वो आप लोगों को दे रहा होता हूँ, तो कोई बंदा पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता, कोई बंदा भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता। ये कहते हैं फीस ले लिया करो, फीस भी लिया करो, तो उसमें क्या होता है नुकसान? मैं आपको जो बंदा 1 रुपए की एक टॉफी खरीदता है उसके पास कदर होती है, और जो उस बंदे को आपने फीस बिल्ला दे दिया तो वो तो मंगता बन गया ना, वो तो मस्जिद के बाहर बैठ के अल्लाह अल्लाह करेगा, लोगों से मांगेगा, मस्जिद के अंदर नहीं जाएगा, अल्लाह से नहीं मांगेगा, बाहर बैठ के लोगों से मांगेगा। तो ये है फर्क होम्योपैथिक के अंदर। आज इसी वजह से आज होम्योपैथिक के अंदर रिसर्च बिल्कुल खत्म है। अगर कोई रिसर्च गलती से कर भी जाए तो साहब उसे कहते हैं ये बड़के दर से आ गया, और उसने करती हैं क्यों? जब आप ये समझे कि एक बच्चा जो है वो मैट्रिक में है, उसने मैट्रिक की साइंस पढ़ी है, सारा कुछ पढ़ो, लेकिन वो एमए की किताबें तो नहीं पढ़ सकता ना। अब एमए वाला जब उसको पढ़ाने की कोशिश करता है तो वो उसके साथ या तो एमए वाला पागल है या फिर मैट्रिक वाला पागल है, दोनों में से कोई ना कोई होता है, और ना ही फिर वो मैट्रिक वाला क्या करता है समझने की कोशिश करता है, वो मैट्रिक में ही खुश है, वो कहता है चलो ठीक है यहाँ हूँ बैठ जाए, फिर वो क्या कहते हैं नुस्खे बता दें जी डॉक्टर साहब, नुस्खे बता दें वजीर का कौन सा नुस्खा है, अरकुनसा का कौन सा नुस्खा है। वो कभी भी इन्हें नाट खानों के अंदर नहीं जाएगा, कभी भी इन 8 खानों के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो मेहनत तलब नहीं करना चाहता, सोचना नहीं चाहता। जैसे अभी एक डॉक्टर साहब ने ऊपर कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ये नज़र नहीं आए, साफ नजर ही नहीं आए, मुझे समझ नहीं आए। और भाई मेरे तो सब, मैंने इसीलिए ऐसा लिखा है कि पढ़ने वाला काम आधा घंटा तो कम सोचो दे ना, आधा घंटा तो सोचे ना कि लफ्ज़ लिखे हुए क्या हैं, तो कम अज़ कम कुछ तो मेहनत होगी ना, तो ये लफ्ज़ उसके अंदर चले जाएंगे और उसे फिर समझ भी आ जाएगी।